कि एम के साथ ये भी हमने देखा है कि एक जो लव अफेयर होता है वो छोड़ते नहीं है मिचेल स्टार्क ऑब्वियसली अगर आपको मिलता है उस पर्स में और किस टाइम पे आते हैं वो आइडियल होंगे एम का लव अफेयर बोल्ट से भी है लेकिन वो पुराना लव अफेयर है और आई थिंक बोल्ट अपनी असेंडेंसी में ज़रूर नहीं है अगर हालात ऐसे हो जाए और उस स्टेज पर उनको उस प्राइस पर मिल जाए तो उनकी तरफ जाए उनका जो दिल होगा वो कोटे के साथ होगा शुरुआत करना चाहेंगे पांच बार के चैंपियंस मुंबई इंडियन से उनकी कैसी रही कहानी और कैसे बदल सकती है कहानी आइए पता करते हैं हैं बार के चैंपियन जरूर हैं, लेकिन जब आप प्लस यानी कि स्थान पे खत्म करते हैं तो कुछ चेंजेस हो सकते हैं एक चीज जो नहीं बदलेगी जैसा अजय भाई थोड़ी देर पहले बता रहे थे वो है इस टीम की कोर रोहित नजर आएंगे सूर्य कुमार यादव हार्दिक पांड्या जसप्रीत बुमराह या बिग फोर लेकिन अब तो तिलक को भी उसमें जोड़ी लेते हैं क्योंकि वो टी ट्वेंटी इंटरनेशनल सेंचुरियन बन चुके हैं भारत के लिए दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वो शतक याद आएगा लेकिन काफी सारे स्लॉट्स दिख रहे हैं ओपनिंग का स्लॉट है विकेट कीपर की तलाश भी है ओवरसीज स्पेसर्स के साथ एक लव अफेयर रहा है मुंबई इंडियंस का अजय भाई आर का ऑप्शन एक बचा है आपके हिसाब से मुंबई की स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है और क्यों आई थिंक मुंबई एक बहुत अच्छी पोजीशन पे है हालाँकि वो पर्स इतना बड़ा नहीं नज़र आ रहा अगर आप वो सारे खिलाड़ी देखें तो ऐसा नहीं है कि वो वहीं खेल सकते हैं वो किसी भी ऑर्डर में खेल सकते हैं तो जब आप ऑक्शन में जाते हैं आपके होते हैं कि मेरे को ये चाहिए वो चाहिए इनके पास ये भी ऑप्शन है यू you नो know, अगर मैं हूँ तो ये सोचू कि ये एक ऐसी टीम है कि यहाँ के बाद ग्यारह के ग्यारह इंडियन खिलाड़ी भी खिला सकते हैं ना क्योंकि रूल ये है कि चार ओवरसीज मैक्सिमम है लेकिन मिनिमम कुछ नहीं है तो बाकी टीमें अगर ये सोचती रह जाएं कि हम मुंबई को यहां पुश कर सकते हैं वहां अगर ये स्मार्टली खेले तो ये उस तरह से भी टीम बना सकते हैं क्योंकि ये जो पांच नाम है इनको आप देखें इसके अलावा आपको कोई मैच विनर को ढूंढने की जरूरत ही नहीं है तो आपके पास ऑप्शन है ओवरसीज भी आप मैच विनर्स ले सकते हैं विकेट कीपर एक जरूर चाहिए इसमें कोई डाउट नहीं है मैं आई थिंक वो एक बड़ा क्रूशल होगा कि वो उनको कब मिलता है अगर मानिए ईशान किशन हो या ऋषभ पंत हो क्योंकि इंडियंस की बात मैं कर रहा हूँ या ओवरसीज विकेट कीपर बैट्समैन जो है वो अगर इनको जल्दी मिल जाए और इनके आइडियल सिचुएशन में मिल जाए फिर तो शायद ये भी डिक्टेट कर सकते हैं क्योंकि ये ऐसी टीम है इनके पास सारे खाने फेल हैं इन पांचों की वजह से तो आप एक्चुअली बगैर पैसे हुए आप दूसरों के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं ओवरसीज पेसर्स हमने देखा लसित मलिंगा ऑब्वियसली सर्टिफाइड मुंबई इंडियंस लेजेंड मिचिल जॉनसन मिच में वो तो परंपरा रही है राइट कि जसप्रीत बुमरा जरूर है ऑब्वियसली सेफ एज अ बैंक लेकिन एक अंतर्राष्ट्रीय पेसर आप ढूंढते हैं थोड़ा तो सा अगर ऑप्शन पूल की तरफ देखेंगे वहां पे ट्रेंड बोल्ट है फॉर्मर एम आई मिचल स्टॉक का एक ऑप्शन खुल जाता है जेराल कु रिसेंटली फॉर्मर एम आई एज वेल उनको भले ही रिटेन ना किया गया हो आ, बट एन इम्प्रेसिव यंगस्टर टू तो वॉच आउट फॉर आपके हिसाब से इन नामों में से कौन ऐसा है जो मुंबई की तरफ जाता हुआ नजर आ सकता है आई थिंक मिचल स्टॉक ऑब्वियसली अगर आपको मिलता है उस पर्स में और किस टाइम पे आते हैं वो आइडियल होंगे लेकिन कोर्जे की जो आपने बात की एम के साथ ये भी हमने देखा है कि एक जो लव अफेयर होता है वो छोड़ते नहीं है और इनफैक्ट इस सीरीज़ में भी उन्होंने दूसरे मैच में अभी जो सीरीज़ हुई साउथ अफ्रीका और इंडिया की उसमें भी उन्होंने अच्छा प्रदर्शन करके दिखाया तो उनकी तरफ मैं थोड़ा सा टिल्ट करूंगा एम का लव अफेयर बोल्ट से भी है लेकिन वो पुराना लव अफेयर है और आई थिंक बोल्ट अपनी असेंडेंसी में ज़रूर नहीं है अगर हालात ऐसे हो जाए और उस स्टेज पर उनको उस प्राइस पर मिल जाए तो उनकी तरफ जाए लेकिन उनका जो दिल होगा वो कोटजे के साथ होगा